नेपाली हम तुम के राम्रो का भयो राम्रो भयो भैया राम्रो भयो यहाँ पे आके लग नहीं रहा है कि हम दूसरी कंट्री में आए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम अपनी ही कंट्री में घूम रहे हैं। हाँ मम रेडी हो गए, रेडी होंचु, चले चले। सो नमस्ते चुलेट अशिदलेक, स्वागत है आप सभी का ट्राइबल गर्ल में। और जी हाँ, जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ नेपाल में हैं और यहाँ हम जो है ट्रेडिशनल नेपाली बुद्धिस्ट वेडिंग अटेंड करने वाले हैं। तो अभी यहाँ हमारे को माम ने कहा कि यहाँ पर एक शादी हो रही है, तो उन्होंने हमें कहा कि आप भी चलिए हमारे साथ। तो हमने सोचा क्यों ना जाया जाए और देखा जाए यहाँ नेपाल का ट्रेडिशनल वेडिंग किस तरह से होता है। तो अभी माम रेडी हो रहे हैं अंदर और ऑलमोस्ट रेडी हो ही गए हैं, तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ की ट्रेडिशनल वेडिंग में। यहाँ पर लॉक लगाया जा रहा है और अब हम, अरे वहीं ऊपर छुपा दिया तो अब हम जाने वाले हैं। तो माम रेडी हो गए, रेडी हो गए, रेडी भाई हो यहाँ देखो। हेलो लसो बोलो, लसो लसो। तो ये है यहाँ का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। तो सभी लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। हाँ मम रेडी हो गए, रेडी होंचु, चले चले। क्या करो आगे कर लो। लसो मम, लसो लसो, आप भी आ रहे हो शादी में? तो बस हम चले गए हैं, पता नहीं हाँ शादी होने वाली है। यहाँ पे भी सब लोग बढ़िया बैठे हैं। तो यहाँ ट्रेडिशनल चक्की, ट्रेडिशनल कौन सा है ये? अच्छा ये यहाँ पे फाफड़ा है। अरे फाफड़ा लगाते हैं आप लोग? ये देखिए आप फाफड़ा का आटा कैसे निकाला जा रहा है, घुमाओ तो। ये देखा ट्रेडिशनल, सभी मम लोग जो है नीचे पहुंच गए हैं। तो देखते हैं कहाँ पे है शादी, हमें भी मालूम नहीं है और आप लोगों को भी ले चलते हैं। घर कहाँ है जहाँ पे शादी हो रही है? हाँ घर कहाँ बने को? शादी कहाँ बने हो? शादी इधर इस घर में बने हो? अच्छा तो ये वाला जो घर है हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे शादी होने वाली है। लसो लसो लसो, माम करना खींच है। शादी यहाँ है? नहीं फिर क्या माम? ओ अभी नीचे है, मिसअंडरस्टैंडिंग माम, मुझे लगा यहाँ पे है। चलो आप भी चलो शादी, शादी बनो, चलो माला। अब सब हम सबको इकट्ठा करके यहाँ से शादी जाने वाले हैं। सब रेडी हो गए हैं सारे मम लोग, रेडी भैया। हाँ तो ये काफी घना जंगल है और यहाँ पर काफी सारे पत्ते भी गिरे हुए हैं। तो ये जो चील के पेड़ के पत्ते होते हैं ये बहुत ज्यादा स्लिपरी होते हैं, तो मम लोग जो है इसको साफ कर रहे हैं रास्ता और फिर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो अभी भी हम चले हुए हैं और ये है यहाँ का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। तो हम बहुत ऊपर से आए हैं और अभी यहाँ नीचे पहुँचे हैं और ये यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। और अभी भी आगे जा रहे हैं, तो काफ़ी दूर है जहाँ शादी हो रही है। तो ये हमारी गाइड शांता, शांता आप तुम ही बताओ हम लड़के के घर जा रहे हैं कि लड़की के घर जा रहे हैं? माम लोग तो लड़का का, लोग लड़का के साइड जा रहे बोल रहे। अच्छा अभी इधर आज लड़का के साइड से बोल रहे, लड़की के साइड से, वैसे ही होगा, चलो देख के ही पता चलेगा। और फिर वो लोग उन लोगों को ब्लेसिंग्स देगा और फिर पैसा डाल देगा। अच्छा तो आज शादी से पहले वाला रिचुअल हो रहा है। ये कौन सा फल है? पाके है। चले ये कौन सा फल है शांता? उसका नाम नहीं पता है लेकिन वो तो ये भी कोई फल है यहाँ पर जिसका नाम नहीं मालूम है। अगर आप लोगों को मालूम है तो ज़रूर बताइए ये कौन सा फल है। भगोला, मकोला खाते हैं इसको? अभी नहीं पका है, नहीं पका गया, पक गया है? पक गया। कितना दूर है और शादी वाला घर? दूर दूर भयो बातों कति सा बनेगा
अलीगती दूर भयो तो थोड़ा बहुत दूर है अलीगती अलीगती यानी थोड़ा मैंने कुछ एक वर्ड सीख ले हैं नेपाल के राम राम मतलब अच्छा अलीगती मतलब थोड़ा मम यानी कि दादी अगर आप लोग भी नेपाल से हैं तो आप लोग भी थोड़े बहुत ट्रेडिशनल वर्ड्स जो हैं नेपाल के जो वर्ड्स हैं वो आप सिखा सकते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं तो वो जो आप घर देख रहे हैं उस घर में शादी है तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं जिस घर में शादी होने वाली है शादी आज है कि कल है कल है आज क्या करेंगे वहाँ पे अच्छा तो आज भी यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होंगे तो देखते हैं क्या होने वाला है एक तो मुझे नेपाली समझ नहीं आ रही है और इन लोगों को हिंदी समझ नहीं आ रही है तो कम्युनिकेशन करने में बड़ा वक्त लग रहा है करने गए हाँ जी नेपाली ब्याह है तो हम देखने वाले हैं नेपाली ब्याह नेपाली शादी देखेंगे हम लेते लेता समझ नहीं आ रहा है मुझे कुछ भी अगर आप नेपाल से हैं तो आप समझ सकते हैं ये क्या बोल रहे हैं बोलो तो बोलो क्या बोल रहे हो बोल दे तो आज क्या होने वाले यहाँ पे होने वाले बे करते है हाँ बे करते है खाते है भोली अब काम करते रहे मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आज काम होने वाला है और शायद खाना पीना होगा तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है एकदम नेपाली विलेज टूर कर रहे हैं आज हम लोग और साथ में नेपाली वेडिंग भी है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है तो आ रहे जल्दी आ रहे हैं तो ये देखिए हमें शांता जी का ऑर्डर आ चुका है तो आ रहे शांता जी चलिए अरे ये कटहल है अरे मुझे पहली बार देखा कटहल ऐसा होता है बस मैंने मार्केट में देखा है इसको अभी तो छोटा है ना ये अभी तो छोटा है ना अरे देखिए कटहल का पेड़ इस तरह का होता है तो इसकी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है मेरा तो फेवरेट है कटहल ये क्या है वाओ ये तो वो है इसको ना बेरीज है ये वाइल्ड बेरीज है वाइल्ड बेरीज इसे वाइल्ड बेरीज कहते हैं खाने भाई तो ये मीठो भाई बोल रहे हैं पकड़ लो बुल्ली है भैया वाइल्ड बेरीज बड़े इसका पेड़ वहां ऊपर है ये गाय बकरियां बड़े आराम से बैठी हुई है क्योंकि धूप काफी ज्यादा है आज तो ये लोग भी रेस्ट कर रहे हैं हाँ ये जुनिपर ये देखिए आप धूप क्या बोले धूप भयो धूप बोलते तो ये जुनिपर जिसे शुर कहा जाता है ये वो नेटल्स देख सकते हैं आप बिच्छू बुट्टी मैं को तो खाए वो तो ये जो है नेपाल का बहुत ही फेमस डिश बनता है इसका बिच्छू बुट्टी का जिसका सब्जी बनता है बहुत ही मीठो भयो और हमारे साइड भी इसे खाया जाता है लसो माम लसो की भयो की भयो वैसे को बसो की भयो वैसे गोबर है सर अच्छा तो ये गोबर गोबर साफ कर रहे हैं तो यहाँ हम पहुँच गए हैं शादी में लसो तो ये है यहाँ शादी का सिनेरियो अभी तैयारियाँ चली हुई है यहाँ पर तो यहाँ पे ये ट्रेडिशनल लसो तो ये जो है सेल रोटी मीठा होता है ना ये मीठो है तो ये यहाँ पर आज बनाया जा रहा है ये देखिए आप लेडीज बना रहे हैं तो ये चावल के आटे से बनता है ना ये चावल के आटे से ऐसे इसको मिक्स किया जा रहा है मैदा अच्छा मैदा और चावल के आटे से और वहाँ पे ऐसे पकाया जा रहा है चीनी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है चीनी भी लगाया जाता है इसमें बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे भी अच्छा यहाँ पे मीट काटा जा रहा है तो यहाँ पे जो है प्रिपरेशन चल रही है ये देखिए तो यहाँ बस ट्रेडिशनल खाना पकने वाला है
अगर आप लोगों में से कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता है तो प्लीज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मीट काटा जा रहा है, लसो लसो। तो यहाँ पर जो है सभी लोग आके बैठ गए हैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है, पूरी प्रिपरेशन होने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पर हमारे माम लोग भी काम पे लग गए हैं। आप लोग काम करने आए? अच्छा, तो आज मामा जी आएंगे। तो हमारी दिचन भी यहाँ लद्दाख से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अभी 3 दिन की शादी बोल रहा है, आज यहाँ पे तैयारी चल रहा है, कल लड़की को लेने जाएंगे, परसों का बेटा होगा, सबका मामा लोग जाएंगे, लेके आएंगे बोल रहे। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर सभी लोगों से बातचीत करके और यहाँ के रिचुअल्स के बारे में जान के। लसो, आपकी शादी है, मुबारक हो। तो शर्मा गए लगता है, लाडा जी शर्मा गए हैं। तो यो सब मेरो मम्मी को भाग हो, म यहाँ सहयोग गर्दछु, यहाँ लसुन भए पनि यो मेरो मम्मी को भाग को काम हो, मम्मी हेर्नु मैले गरिसक्यो, गरेको छ, मैंने कर चुका है मेरा मम्मी का ये काम। तो ये देखो बहुत मेहनती लड़की है, शादी में काम कर रही है, लहसुन छिल रही है, लहसुन निकाल रही है। वाह 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 वाह। तो ये यहाँ के ऑर्गेनिक खेत के लहसुन है, चिस्सो ड्यूस हो, टिस्सो पानी है। तो एकदम आप लोगों को मैं रॉ दिखा रही हूँ किस तरह से क्या क्या तैयारियाँ होती है हमारी नेपाली वेडिंग में। तो वेडिंग तो कल परसों है, तो शायद हम वेडिंग में नहीं रुक पाएंगे क्योंकि हमें आगे भी जाना है। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं आप लोगों को यहाँ का रिचुअल्स दिखा रही हूँ कि शादी से पहले क्या रिचुअल्स होते हैं, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। दूल्हे की मम्मी जी है, मुबारक हो आपको, बधाई छा, धन्यवाद। ओले लसो 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 लसो। तो अब शादी में आ ही गए हैं तो थोड़ा बहुत काम भी किया जाए, है ना मम? कपड़े लाओगे? ये बोल रहे कपड़े पहन के आऊं। ये इतने स्टाइल से टमाटर भी आ गया, तो सारा काम आज यहाँ पे होने वाला है। ये लोकल टमाटर, ऑर्गेनिक खेत के टमाटर देख सकते हैं। टमाटर रहे हरियर पत्ता से बनाता है ना, मीठो छो। अच्छा, इसको उसमें करेंगे पत्थर के ऊपर। यहाँ पे मिक्सर यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे ये जो आप टमाटर देख रहे हैं इसे ट्रेडिशनली पत्थर सिल बट्टे के ऊपर जो है पीसा जाएगा। तो इससे हम लोग क्या चटनी बनाने वाले हैं, चटनी। नेपाली गीत गाओ मम, नेपाली गीत गाओ मरले। ये आपसे ज्यादा तो ये लद्दाखी गा रही है नेपाली गाना। ये आप नेपाली हम यहाँ पे काम भी कर रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं आप क्या माहौल है यहाँ शादी से पहले। सब प्रिपरेशन हो रही है, सब यहाँ पे चटनी बनने वाला है। क्या बोलो? मतलब माया लाई हुई, मतलब हम तुम गए प्रेम आया। ओ प्रेम भयो, प्यार आपको मिलेगा अगर आप नेपाल में आएंगे। यहाँ पे आके लग नहीं रहा है कि हम दूसरी कंट्री में आए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम अपनी ही कंट्री में घूम रहे हैं। ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं नेपाल में आके। क्या बोलते हैं इसको, की बोलो? फुलौरा। तो ये यहाँ का ट्रेडिशनल डिश फुलौरा। अरे दूल्हे राजा के पिताजी, लसो लसो लसो। ये है मम्मी जी। तो आज यहाँ पर जोरों शोरों से यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है।
तो अभी हम थोड़ा यहाँ नीचे जाते हैं, देखते हैं आसपास का कैसा एरिया है। और यहाँ से आपको दिखाते हैं व्यू जो कि बेहद ही खूबसूरत है। ये देखिए पूरा व्यू। तो अभी खेतों में यहाँ पर बिजाई नहीं हुई है, कुछ समय बाद यहाँ पर बिजाई हो जाएगी। सभी जना काम करते हैं। ट्रेडिशनल पेड मतलब ट्रेडिशनल गेट लगाने वाले। हाँ 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 हाँ, ये लकी के लिए, जैसे कि ऑस्पिशियस, वी बिलीव ऑस्पिशियस। अभी ये काला है ना, कितने क्यूट हो आप। आपका नाम क्या है? निमा लामा। निमा लामा, आपका क्या नाम है? नाम क्या हो रही तिम्रो भन्न त। हेलो, हाय गत भन्न त, नाम के हो तिम्रो? मिन क्या है? मिन माला मारे। मिन माला, आपका नाम क्या है? अनुष्का तावा। ओहो लेसो, ये दीदी को भी दो। यहाँ का फेमस नेपाली मैगी बाय बाय, जिसे यहाँ पे चाउ चाउ कहा जाता है। तो आज जो है यहाँ मामा जी का स्वागत होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से सारे जो है गांव वाले यहाँ पर बैठ चुके हैं। कुछ क्या भेला होना जिल बाद में है। अच्छा, इसके लिए बोलिए, हमको ब्याह होता ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसके लाइए हमको की स्वागत कर रहा है। अच्छा, तो अभी क्या मामा जी आने वाले हैं? अच्छा, हाँ हाँ, उसके बाद में हम सबके भाई को एक अंदर में बात करना है। अच्छा, बात करेंगे अभी, तो अभी सब करेंगे, सब अच्छा। मिलेंगे, कैसे करेंगे कैसे करेंगे ऐसा करना, चाहे बातचीत होगी, बातचीत होना लाइए ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हो गया, आपको ठीक होगी नहीं? हाँ जी ठीक है, बहुत अच्छा है। आपको बहुत अच्छा रीति रिवाज है यहाँ। पहला रीति रिवाज ऐसा है। हाँ जी, बहुत पुराना रीति रिवाज होगा। पुराना रीति रिवाज ऐसा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको बुद्धिस्ट ऐसे होना है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत हो रहा है। तो यहाँ पर दिया जला के और छन जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है वो रखा जाएगा। कम्युनिटी है ये, तमंग कम्युनिटी है, और ये जो बुद्धिस्ट है, तो यहाँ पर जितने भी रीति रिवाज हैं वो सारे बुद्धिस्ट रिचुअल के अकॉर्डिंग ही होते हैं। जो तमंग जाति का थोड़ा वो संस्कार है ना, रीति रिवाज जो हिंदी में बोलता है, ऐसे ये अभी कर रहा है, ये वेलकम जो ऐसे अभी स्वागत कर रहा, रेस्पेक्ट कर रहा है अभी, जो इसका बोलता है अभी का नहीं, ये बहुत पहले से
ये हमारा जो तमांग संस्कार में ये तांबा तांबा बोलता है अभी। अच्छा, पहले जो पहले जो बाप के बाप अच्छा, के भी आपके पूर्वजों का वेलकम सॉन्ग ट्रेडिशनल। आज ऐसा कर रहा है, आज जो मामा है ना, हाँ जी, वो मामा के आज वो वेलकम कर रहा है। अच्छा, कल फिर जो उधर जो लड़की के पास जाएगा उधर भी ऐसे गा के उधर के जो वो लड़की है ना जो हाँ जी भाई बुआरी क्या बोलता हाँ, है भाई, हाँ। वो उधर से लेके आने के टाइम में उधर के उसके माँ बाप के पास फिर ऐसा गा के वो प्यार करके फिर लेके आएगा। इस वीडियो में देखा किस तरह से यहाँ पर जो ट्रेडिशनल प्रिपरेशन की जाती है। तो शादी तो कल है जो हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक भाई हो तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम सभी की तरफ से बाय बाय बाय। ओके, लसो लसो बोलो लसो।